गुलामी ना होवे देख किस साल की हेलो नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो काफ़ी कमाल का होने वाला है। वीडियो को आप इन तक वॉच करना ताकि आपको वीडियो एडिटिंग अच्छे से समझ में आ पाए। तो ये वीडियो होने वाला है नेम आर्ट वीडियो एडिटिंग, जो कि आप अपने खुद के नाम का एक कमाल का वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं सीधा मॉल स्क्रीन पे एंड मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे इस वीडियो को एडिट करना है। तो सबसे पहले आपको पिक्सल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है एंड न्यू टेक्स्ट को हम डिलीट कर देंगे। ऊपर में थ्री डॉट के आइकन पे टैप करके मैं साइज पे टैप करना है। हाइट को आपको 2000 तक रख लेने हैं। जब हम ओके पे क्लिक करेंगे, प्लस के सेक्शन पे टैप करो, टेस्ट पे टैप करो, न्यू टेक्स्ट को होल्ड करके नीचे लाओ। देन यहाँ पे आपको खुद का नाम यहाँ पे लिख लेना है कुछ इस तरीके से। हम ओके पे क्लिक करेंगे, देन इस वाले सेक्शन पे टैप करके ए जो लिखा हुआ है उस पर टैप करके फॉन्ट वाले सेक्शन पे माय फॉन्ट पे टैप करके यहाँ से अर्बन जंगल जमू फॉन्ट हम यूज़ करेंगे। देन हल्का से यहाँ अगर स्पेसिंग का प्रॉब्लम होता है तो आप थोड़ा सा स्पेसिंग बढ़ा सकते हो। देन हम ओके पे क्लिक करेंगे। अब हल्का साइज को इस तरीके से आप इंक्रीज कर सकते हो, फिर हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपको साइडों का एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा, आपको साइडों को कर लेना है इनेबल। जिन हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अब आपको प्लस के सेक्शन पे टैप करना है, टेस्ट पे टैप करना है एंड लाइक 2 से 3 इमोजी आपको यहाँ से दे लेने हैं। 2 से 3 इमोजी कुछ इस तरीके से 2 से 3 इमोजी दे देंगे। ओके पे क्लिक करेंगे, देन फॉन्ट वाले सेक्शन पे टैप करके ना माई फॉन्ट पे टैप कर दो, देन iOS 14 फॉन्ट आपको यूज में ला लेने हैं यहाँ पे। अब हल्का सा साइज को आप इंक्रीज कर लो ताकि ये ज़्यादा यहाँ पे मतलब दिखे अच्छे से, है ना फिर। एंड देन यहाँ से सबसे एंड में जाओगे, 3D शैडो का एक सेक्शन, आपको 3D शैडो को इनेबल कर लेना है। देन यहाँ पे कलर आप व्हाइट सेलेक्ट करना, देन हम ओके पे क्लिक कर ले रहे हैं। अब आपको यहाँ से नहीं देखिए इंडियन फॉन्ट कन्वर्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है, समझ रहे हो ना कौन सा एप्लीकेशन है। इंडियन फॉन्ट कन्वर्टर यूनिकोड सीधे पे टैप करना है एंड देन यहाँ से हमने कुछ शायरी कॉपी करा था इसलिए हम पेस्ट कर रहे थे। हमें जनाब फिर आप कोई भी हो, हमें घंटा फर्क नहीं। अब देन यूनिकोड सीधे पे टैप करके इसे आप कर लो कॉपी। अब कॉपी कर लेने के बाद ये तो मेरा यूनिकोड कॉपी हो चुका है। प्लस के सेक्शन पे टैप करो, टेस्ट पे टैप करो, देन यहाँ से लाइक दो यहाँ से जो भी हमने कॉपी करा था उसे हम पेस्ट कर देंगे। देन हमें ओके पे क्लिक करना है। अब फॉन्ट वाले सेक्शन पे टैप करके माय फॉन्ट पे टैप करके यहाँ से हम फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये जो फॉन्ट है श्रीदेव 075 है ऐसा करके या 95 है, ये कुछ है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, टेंशन लेने की बात है नहीं। ओके पे क्लिक करो। आप थोड़ा सा हल्का सा साइज को इंक्रीज कर लेते हैं, आप थोड़ा सा अपने हिसाब से देख लीजिएगा साइज को। देन हम यहाँ पे इसे ऐड कर लेंगे। अब ऐड कर लेने के बाद आपको इसे कॉपी कर लेना है, ये जो यहाँ पे इमोजी था उसे आपको कॉपी करके यहाँ से आपका जो नाम है इंस्टाग्राम, आपका जो नेम है आपको उसको यहाँ पे लिख लेना है इंस्टा। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंस्टा टेक जय, मेरा इंस्टाग्राम इसी से टेक जय, टेक जय शंकर है ऐसे, तो टेक जय लिख लेते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा वो नाम हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। देन यहाँ से आप फॉन्ट को थोड़ा सा ना चेंज कर लेना ताकि ये देखने में अच्छा लगे, इस तरीके से आप फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। देन कोई सा भी अच्छा सा फॉन्ट आप ले लेना है यहाँ पे, कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। अब आपको इस वाले सेक्शन पे टैप करके आपको इस वाले सेक्शन पे टैप करना है। देन सभी को हम इस तरीके से एक ग्रुप बनाएंगे, देन हमें इस वाले सेक्शन पे टैप कर लेना है। ओके पे क्लिक कर देंगे। अब ओके पे क्लिक करने के बाद आपको इस वाले सेक्शन पे टैप करके इसे बीच में आपको इस तरीके से रिलेटिव पोजिशन पर टैप करके बीच में आपको इस तरीके से ऐड कर लेना होगा। देन हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अब ऐड कर लेने के बाद आपको इस वाले सेक्शन पे टैप करके आपको ट्रांसपेरेंट कर लेना है। ट्रांसपेरेंट कर लेने के बाद एक्सपोर्ट वाले सेक्शन पे टैप कर सेव एज इमेज डायमेंशन कस्टम डॉनर वाल्ट्रा देन सेव टू गैलरी। चलो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। चलो ये दोनों काम खत्म हो चुका है। अब आपको एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। एलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ पे कोई एक्सएमएल फाइल नहीं है, बस एक इफेक्ट है जो कि आप आसानी से दे सकते हो। 9x16 का रेशियो, 1080 बैकग्राउंड हमेशा आपको ब्लैक रखना है इस वीडियो में। प्लस के आइकन पे टैप करो, मीडिया पे टैप करो। सबसे पहले तो आपको सॉन्ग ऐड करना है। सॉन्ग ऐड करने के लिए वीडियो ऐड करेंगे, वीडियो में से हम सॉन्ग को बाहर निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से, एक्सट्रैक्ट ऑडियो, जिन्हें वीडियो को बाहर निकाल लेना। प्लस के सेक्शन पे टैप करो, मीडिया पे टैप करो, जो भी वहाँ से आपने बनाया था आपको उसे यहाँ पे ऐड करके थोड़ा सा यहाँ पे साइज़ वगैरह देख लेना, बाकी तो समझ रहे हो ना इस तरीके से। एंड जितना आपका सॉन्ग का ड्यूरेशन है उसके अकॉर्डिंग हम इसे रखेंगे। अब देखो यहाँ तक इसे थोड़ा सा इधर कर लेते तो सही रहता। चलो यहाँ तक हो गया। अब आपको यहाँ पे एक ऑक्सीलेट इफेक्ट देना है, उसके लिए फोटो के लेयर पे टैप करो, इफेक्ट पे, ऐड इफेक्ट पे, यहाँ पे आपको सर्च करना ऑक्सीलेट, OSC लिखोगे तो आ जाएगा ना।
ऑक्सीलेट स्टैंड सेटिंग पे टैप करके बस एंगल को कुछ नहीं करना। फ्रीक्वेंसी अभी 2 है, इसको 0.30 कर लेना है, फ्रीक्वेंसी को 0.30। देन मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड को आपको 20 कर लेना है, मैग्नीट्यूड को आप 20 कर लो एंड फ्रीक्वेंसी को 0.30 कर लो। अब वीडियो को जो आप प्ले कर कर देख लेते हैं, आपका कुछ इस तरीके से वीडियो आपका बनकर रेडी हो जाएगा। अब इसे हम एक्सपोर्ट करते हैं। वीडियो मेरा एक्सपोर्ट हो चुका है, अब सेव वाले सेक्शन पर टाइप करके हम इसे सेव कर लेंगे। अब बात यह थोड़ा अच्छे से आपको समझने की, सबसे पहले आपको डाटा को ऑन करना है, सिक्योर VPN है, सिक्योर VPN को आपको ओपन करके VPN को कनेक्ट कर लेना है, समझ लो ना, VPN को आपको कनेक्ट करना है। VPN बहुत ही ज़रूरी है कैपकट को स्टार्ट करने के लिए, प्ले करने के लिए, चलाने के लिए। कनेक्ट पर टाइप करके हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। अब आपको कैपकट अप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। क्या क्या इफ़ेक्ट आपको लगाने हैं मैं आपको आसानी तरीके से बता दूंगा। न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करो, जो आपका वीडियो है वीडियो को आपको सबसे पहले ऐड कर लेना है। वीडियो ऐड करने के बाद सबसे एंड में आपको आना है, जो कैपकट का यहाँ पे लोगो लगा हुआ है आपको इसे डिलीट कर लेना है। देखिए आपका तो वीडियो है, अब आपको देखिए यहाँ पे इफेक्ट वाले सेक्शन पे टैप करके ना आपको यहाँ पे वीडियो इफेक्ट पे टैप कर लेना है। वीडियो इफेक्ट पे टैप करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा ओपन होने में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आ जाएगा यहाँ पे देखिए हेलो ब्लर। हेलो ब्लर पे टैप करके एडजस्ट पे टैप करना, बस स्पीड को पूरा इंक्रीज कर लो, देन ओके पे क्लिक कर लेना। चलो अब ये यहाँ तक हो गया, आप इसे आप कहाँ तक रखना चाहते हो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। बाकी मतलब वीडियो के देखिए, अगर 10 सेकंड का वीडियो है तो 5 सेकंड तक रखना है, मतलब हाफ समझ लो ना, अगर 5 सेकंड 6 सेकंड का वीडियो है तो आपको 3 सेकंड तक रखना है, कुछ इस तरीके से। पहला इफेक्ट तो आपका हो चुका है, फिर से आपको वीडियो इफेक्ट पे टैप करना है, बाकी कुछ नहीं, कहीं नहीं आपको जाना है, सारा का सारा इफेक्ट आपको ट्रेंडिंग सेक्शन में मिल जाएगा। कौन से सेक्शन में? ट्रेंडिंग सेक्शन में। अब थोड़ा सा नीचे जाओ, नीचे चले जाने के बाद आपको यहाँ से मिल जाएगा ये आपका वाई द फायर प्ले, वाई द फायर प्ले, बस आपको इस पर टैप करके ओके पे क्लिक कर लेना है। अब इसे हम एंड तक कर देंगे, इसका काम एंड तक है। ये भी इफेक्ट आपका हो गया। फिर वीडियो इफेक्ट पे जाओ, फिर थोड़ा सा नीचे जाओ एंड देन यहाँ से आपको सबसे बड़ी चीज़ ये वाला कौन किधर है, लाइटिंग इफेक्ट आपको देना है। तो लाइटिंग इफेक्ट हम यहाँ से देंगे। चलो ये वाला इफेक्ट हम ट्राई कर लेते हैं, ये इफेक्ट टूटना सही है, अगर आपको सही लगता है तो ये दे देना लाइटिंग, ये दे देना अगर आपको सही लगता है तो, नहीं तो फिर ये भी सही है। दोनों में से कोई आप एक ट्राई कर सकते हो इस तरीके से, जैसे हम ओके पे क्लिक करें। चला अगर हम इसको देते हैं तीसरे, आप थोड़ा सा हाफ से थोड़ा अधिक रखना, इसे आप थोड़ा हाफ से अधिक रखना। वीडियो को सबसे पहले मैं प्ले करके आपको दिखा देना चाहता हूँ कि आपका वीडियो कैसा बना है, देख रहे हो ना, कुछ इस तरीके से। अगर आप उसे देना चाहते हो तो आप उसे भी दे सकते हो, इसे देना चाहते हो तो आप इसे भी दे सकते हो, इस तरीके से आपका वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। एंड देन वो भी इफेक्ट सही है। वीडियो इफेक्ट पे टैप करके हम एक बार देख लेते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रिफ्लेस इफेक्ट पे टैप करके ना उस इफेक्ट को भी हम ट्राई करके दिखा, मतलब सारी चीज़ ज़रूरी है ना, इफेक्ट देख लेना ज़रूरी है, कैसा इफेक्ट है आपका, देखिए इस तरीके से वो आपका इफेक्ट लगेगा। एंड देन वो मतलब सारी यहाँ पे अलग अलग आपको मिल जाएंगे देखने को, है ना। फिर तो इस तरीके से आपका वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। एंड उसके बाद आपको एक्सपोर्ट वाले सेक्शन पे टैप करके इसे आप रिजोल्यूशन को बढ़ा लेना, देन एक्सपोर्ट वाले सेक्शन पे टैप करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक करके चैनल को कर दें सब्सक्राइब, ताकि और भी ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं कल के एक और न्यू एडिटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।